लगातार बढ़ते बिजली के बिलों के विरोध में अब कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। जहां सांवेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते बिजली बिलों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल कोरोना के कहर के बाद अब प्रदेश की जनता पर बड़े हुए बिजली के बिलों का कहर टूट पड़ा है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने अब जनता के साथ मैदान संभाल लिया है। जहां सांवेर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव, कांग्रेस नेता चंद्रशेखर पटेल और रीना बोरासी सेतिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़े हुए बिजली बिलों का विरोध करने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सांवेर पहुंचे थे, जहां हाथों में झंडे लिए नारेबाजी कर कार्यकर्ता शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज जिला स्तर पर हमने जो धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है कि आप किस तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी की जो सरकार थी, जब गरीबों को एक रुपये यूनिट के हिसाब से 100 रुपये और 150 रुपये बिल आता था, आज 1000 से 4000, 5000 रुपये बिल आ रहा है। जब हमारे कमलनाथ जी की सरकार में बिजली समस्या को निराकरण के लिए समितियां बनी थी, तो उपभोक्ता समिति करीब पूरे प्रदेश में 1210 उपभोक्ता समितियां बनी थी, जो हर महीने मीटिंग कर उसको निराकरण करती थी। लेकिन आज उनका कोई सुनवाई नहीं है। किसी का 50,000 रुपये आ रहा है, किसी का 10,000 रुपये आ रहा है, 1,00,000 तक का बिल आ रहा है, उसकी कोई समस्या नहीं है। रीडिंग एवरेज बिल देकर मनमानी तरीके से उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। उसके विरोध में हमने आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में सभी साथियों के साथ आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और इनको ज्ञापन शिवराज जी को दिया है कि ये गुंगी बेरी सरकार कब इसको सद्बुद्धि आए और ये लूटने और भ्रष्टाचार का काम बंद करे। इसकी आवाज़ हमने आज ज्ञापन के माध्यम से उठाई है और निरंतर यदि ये फिर भी नहीं चेतते हैं तो कांग्रेस सड़क पर आकर लड़ाई लड़ेगी उपभोक्ताओं के लिए, किसान के लिए और आम गरीबों के लिए, सबके लिए। भाई साहब, पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने का आदेश हुआ था कि बिजली जो भारी बिल आ रहे हैं बिजली के, गरीबों के, और बिजली के बिलों में जो अनियमितता है उसको चलते ऊपर से निर्देश हुआ था। तो हम सब लोग आए हैं, आज ज्ञापन दिया है। अब इसके बाद में जो अगर कभी सरकार इस पे अच्छे से एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम गांधीवादी तरीके से जो भी ऊपर से निर्देश होगा उसका पालन करते हुए आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बेटी कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी सेतिया की माने तो गरीबों की आवाज उठाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। उसी के लिए मैं आई हूँ कि ये जो गरीब आदमी 1,00,000 का बिल नहीं भर सकता है, ये गरीब क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार भी नहीं भर सकता है 1 महीने का 1,00,000 का बिल, क्योंकि हम लोग कोई घर में फैक्ट्री लगा के तो बैठे नहीं है कि हमारे 1,00,000 रुपये बिल आएंगे। हम लोग एक पंखा चलाते, कूलर चलाते और क्या करते, गरीब आदमी इससे ज़्यादा नहीं, 2 कमरे का तो उनका घर होता है, उसमें 1,00,000 का वो कैसे रहते। उनकी समस्या तो धांधली है बिजली विभाग की, शिवराज जी की, कि धांधली के तहत कि गरीबों के लिए कोरोना काल में इतनी उनको वैसे ही उनकी लापरवाही से लोगों की इतनी मृत्यु हुई है, अब हम बिजली से उनको मार दें। जिस तरीके से आपके साथी लोग थे 2023 के चुनाव में आपको यहाँ पे भेद बता रहे हैं विधायक का, तो क्या आपको चांस मिलता तो आपने? मैं तो अभी आई हूँ यहाँ पे, जनता की आवाज़ बन के आई हूँ और मैं अभी आगे भी यही काम करती रहूँगी। ये सब पार्टी का काम है और पार्टी जो तय करेगी वो हम करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने सांवेर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सांवेर।